Assalamu alaikum class, I am your chair teacher. Today our topic is estimation. Critical inference, the method of making judgment about the unknown parameter under consideration using the sample is called critical inference. एक मेथड होता है जो जजमेंट करते हैं अननोन पैरामीटर के अबाउट जो जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं कंसीडर कर रहे होते हैं वो आपके पास क्या होता है सिस्टम इन्फ्लुएंस होता है इट्स ड्राइव्स आर एस्टीमेशन ऑफ पैरामीटर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एस्टीमेशन क्या होता है द मेथड ऑफ फाइंडिंग द अननोन वैल्यू ऑफ पैरामीटर मेथड होता है फाइंडिंग करने के लिए अननोन वैल्यू ऑफ पैरामीटर फ्रॉम द सैंपल वैल्यू में से बाय यूजिंग एन एस्टीमेटर एक फार्मूले का यूज करते हुए इस कार्ड एस्टीमेशन और एस्टीमेशन ऑफ पैरामीटर्स इसको हम एस्टीमेशन करते हैं एस्टीमेशन ऑफ पैरामीटर कहते हैं इट्स आर पॉइंट एस्टीमेशन इंटरवल एस्टीमेशन नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट एस्टीमेशन द मेथड ऑफ फाइंडिंग द सिंगल अननोन वैल्यू ऑफ पैरामीटर मेथड होता है आपके पास फाइंडिंग करने के लिए अननोन सिंगल वैल्यू ऑफ पैरामीटर बाय इसमें से सैंपल वैल्यूज में से बाय यूजिंग एन एस्टीमेटर एक फार्मूले का यूज करते हुए उसको हम क्या कहते हैं पॉइंट एस्टीमेशन नेक्स्ट है आपके पास इंटरवल एस्टीमेशन द मेथड ऑफ फाइंडिंग एन इंटरवल एक मेथड होता है आपके पास फाइंडिंग इंटरवल जो है रेंज ऑफ वैल्यूज फाइंड करने के लिए ऑन द बिलीव दैट इस बिलीव पे दैट इट विल इंक्लूड द पैरामीटर इसमें पैरामीटर जो इंक्लूड होता है विद ए नॉन प्रोबेबिलिटी एक नॉन प्रोबेबिलिटी के साथ कॉल्ड इंटरवल एस्टीमेशन इसको हम इंटरवल एस्टीमेशन कहते हैं नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट एस्टीमेट अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कैलकुलेट फ्रॉम सैंपल डेटा जो कि सैंपल डेटा से कैलकुलेट की जाती है बाय यूजिंग एन एस्टीमेटर एक फार्मूले को यूज़ करते हुए इस कार पॉइंट एस्टीमेट इसको हम पॉइंट एस्टीमेट कहते हैं एक्स बार इक्वल है एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन मिशन इसका एस्टिमेशन एक्स आई ओवर एन ये आपके पास एवरेज का फार्मूला भी है और अर्थमेटिक मीन का फार्मूला जो है वो अर्थमेटिक मीन भी इससे हम फाइंड करते हैं इसमें है आपके पास एक्स बार इक्वल है टू डेटा आपके पास गिवन है टू 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 ठीक है इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एट आ जाएगा एट को हम फोर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टू आ जाएगा ये आपके पास क्या निकला पॉइंट एस्टीमेट नेक्स्ट है इंटरवल एस्टीमेट एंड इंटरवल कैलकुलेटेड ऑन द बिलीव दैट एक इंटरवल आपके पास होता है कैलकुलेट किया जाता है इस बिलीव पे दैट इट विल इंक्लूड द पैरामीटर इसमें क्या है पैरामीटर इंक्लूड होता है विद ए नॉन प्रोबेबिलिटी एक नॉन प्रोबेबिलिटी के साथ इज कॉल्ड इंटरवल एस्टीमेट फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इन ए फैक्ट्री इज फ्रॉम 3% टू 5% इसमें क्या है कि एक फैक्ट्री में डिफेक्टिव बल्ब की जो परसेंटेज है वो आपके पास 3% टू 5% है तो इसमें क्या आ गई आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज आ गई तो ये आपके पास क्या होगा इंटरवल एस्टीमेट नेक्स्ट है आपके पास एस्टीमेटर अ फार्मूला यूज टू एस्टीमेट अ पैरामीटर एक फार्मूला होता है जो आपके पास यूज टू एस्टीमेट अ पैरामीटर एस्टीमेट करने के लिए एक पैरामीटर फ्रॉम द सैंपल वैल्यू में से इस कार्ड एस्टीमेटर पॉइंट एस्टीमेटर अनबाइज एस्टीमेटर एन एस्टीमेटर इज सेड टू बी अनबाइज एक एस्टीमेटर अनबाइज एस्टीमेटर होगा इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर किस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इट्स सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की इसकी जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर इसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर के एग्जाम्पल आपके पास है एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट जो है कि है आपकी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है इक्वल टू थीटा तो ये आपके पास थीटा जो है कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर अनबाइज नेट एफिशिएंसी कंसिस्टेंसी सफिशिएंसी नेक्स्ट आपके पास अनबाइजनेस एन एस्टीमेटर इज सेड टू बी अनबाइज इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इट्स सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एस्टीमेटर इज फ्री फ्रॉम बायस इज कॉल्ड अनबाइजनेस आपके पास ये फर्स्ट डेफिनेशन जो इतनी दी हुई है आपके पास अनबाइज एस्टीमेटर की डेफिनेशन है ठीक है जिसको हमें सिर्फ इसलिए डिस्कस किया है कि हमें पता होना चाहिए इस चीज़ का ठीक है द फिर हमने किसको डिस्कस करना है अनबाइजनेस को द प्रॉपर्टी ऑफ एन एस्टीमेटर जो ये आपके पास एस्टीमेटर है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इज फ्री फ्रॉम बायस के ये एरर से फ्री हो इज कॉल्ड अनबाइजनेस Important unbiased estimator are sample mean is an unbiased estimator of population mean mu. Sample variance is an unbiased estimator of population variance. Sigma square sample proportion is an unbiased estimator of population proportion. Next है हमारे पास statistical decision. A decision made on the basis of sample observation. एक decision जो हम इस base पे बनाते हैं sample observation पे
बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल तकनीक के को अप्लाई करते हुए सच एज एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो वो आपके पास कौन सा डिसीजन होता है? स्टैटिस्टिकल डिसीजन होता है। नेक्स्ट है आपके पास फोल्ड एस्टिमेटर। लेट एन वन एन टू आर सैम्पल साइजेस एंड एक्स बार वन एक्स बार टू आर सैम्पल्स मीन ऑफ टू सैम्पल्स फ्रॉम पॉपुलेशन विद अननोन मीन एंड वेरियंस। देन फोल्ड इनको कंबाइंड किया जाएगा, फोल्ड किया जाएगा, एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन इज गिवन एज एक्स बार इक्वल है कंबाइंड मीन का ये फार्मूला है एक्स वन एक्स बार एन वन एक्स बार वन प्लस एन टू एक्स बार टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। अगर जितनी आपके पास वैल्यूज होंगी, अगर के वैल्यूज होंगे तो हम के पे डिवाइड करेंगे, एन होंगी तो उतने भी हम डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास क्या गया? फोल्ड एस्टिमेटर, फोल्ड एस्टिमेटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस बिटवीन बायज एंड अनबायज एस्टिमेट। बायज एस्टिमेट लेट थीटा हैज इन इज एन एस्टिमेट ऑफ थीटा देन थीटा हैट इज सेट टू बी अनबायज एस्टिमेट ऑफ थीटा इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट नॉट इक्वल थीटा के। और अनबायज एस्टिमेट आपके पास क्या होगा? लेट थीटा हैट इज एन बायज एस्टिमेट ऑफ थीटा देन थीटा हैट इज सेट टू बी अनबायज एस्टिमेट ऑफ थीटा इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट इक्वल टू थीटा के। No more for today. Thank you so much, class. Allah Hafiz.